रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही न्यू और यूनिक फ्लेवर रबड़ी आइसक्रीम, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। वाह, जबरदस्त। देखिए व्यूवर्स, कितना क्रीमी स्ट्रक्चर है इसका और ये बहुत ही लजीज बनती है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्योंकि ये रबड़ी जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर होता है और इसे जो है लोग सॉ तो यहाँ पर जो है हमने आधा लीटर दूध ले लिया है और उसे जो है ना पकने के लिए रख दिया है। तो इस तरीके से इसके ऊपर मलाई आती रहेगी। तो असल रबड़ी जो होती है वो मलाई से ही बनती है। तो इस तरीके से साइड करते रहते हैं, मलाई आती रहती है और जो है जनाब वो रबड़ी बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनके तैयार होती है। लेकिन अभी जो है हम चूंकि इतनी देर नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूध भी नहीं लिया है हमने, आधा लीटर ही यहाँ पर दूध लिया है। अब यहाँ पर हमने 250 ग्राम जो है खोया ले लिया है। वो खोया जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसे पकाते भी रहेंगे धीमी आंच पे और चलाते भी रहेंगे, ताकि ये सारा का साया जो सारा जो खोया है वो अच्छे से इसके अंदर दूध में मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 250 ml के करीब जो है वो कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखें, जितना भी खोया था वो अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो बस साथ ही साथ हम इसमें एक कप 250 ml जो है वो कंडेंस मिल्क भी ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। और धीमी आंच पे इसे तकरीबन नहीं भी तो आधा घंटा जो है वो हम कुक करेंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा थिक हो जाए। ये फ्लेवर जो मैं फर्स्ट टाइम पर बना रही हूँ, इससे पहले आप लोगों ने किसी ने भी नहीं खाया होगी इस तरह की आइसक्रीम, रबड़ी आइसक्रीम। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनती है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगे, कैसी लग रही है आपको, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो ऑलरेडी देखते आ रहे हैं वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप लोग भी घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये पक रहा है और ये आप देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से ये मलाई जो है ना दूध की, कंडेंस मिल्क की और जनाब खोए की, मोटी मोटी सी ये इस तरीके से होती जा रही है। और जो दूध है वो भी हमारा जो है ना वो थिक होता जा रहा है। तो बस इसी तरीके से इसको पकाएंगे और सामने ही खड़े रहना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपका जो ये दूध है, ये जो रबड़ी है, ये अगर नीचे लग गई तो फिर इसका जो फ्लेवर होगा ना वो बिल्कुल जो है ना ख़राब हो जाएगा, समझे। फिर आपकी जो है रबड़ी आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बर्तन भी थोड़ा मोटे पेंदे की पतीली या कढ़ाई जो भी है वो लीजिएगा, ताकि दूध जो है वो नीचे से ना लगे। और बस इसी तरीके से जो है देखते रहना है, मलाई आती रहेगी, साइड करते रहेंगे और जब ये अच्छा सा ठीक हो जाएगा तो फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो ये देखें, पक पक के बहुत अच्छा सा ठीक हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर जो है ना हम इसमें तकरीबन 5 टेबलस्पून जो है वो शुगर ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर जो है ना वो मलाई ऐड कर देंगे, ताकि इसका जो जायका है वो और भी ज़्यादा यम्मी हो जाए। तकरीबन आधे कप के करीब जो है आपने मलाई ऐड करनी है और इसको तकरीबन 10 मिनट हम और पकाएंगे चीनी और मलाई के साथ में। आप चाहें तो दूध की जो मलाई घर पे जमा होती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तकरीबन आधे कप के करीब। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अच्छा खासा थिक हो चुका है ये।
तो बस अब हम इसको जो है बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा, थोड़ा ठंडा रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा ना, तो फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल ही नॉर्मल ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए हमें इसे बिल्कुल ठंडा करना है आगे के प्रोसेस के लिए। तो चूल्हे को हम बंद कर देंगे, ठीक है, और जनाब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, मिलते हैं इसके ठंडा होने के बाद आपसे। तो यहाँ पर जो हमारी रबड़ी है वो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से ठंडी हो चुकी है, ना सिर्फ ठंडी है बल्कि ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है माशाल्लाह से, और कलर भी जो है इसका पक पक करके जो है ना, मतलब कुकिंग हो करके थोड़ा सा इसका कलर जो है वो बड़ा ही प्यारा सा आ चुका है, जिस तरीके का रबड़ी का कलर होता है। चलिए यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है, ये आप देख सकते हैं, तो ये मैं आधा पैकेट ले लूँगी। और व्हिपिंग क्रीम आपकी बहुत ज़्यादा चिल होनी चाहिए क्योंकि गर्मियाँ हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम भी और ये ठीक जैसी ही हो जाएगी वैसे ही इसे रोक देंगे। 3 मिनट्स हो चुके हैं, अब बाकी के जो 2 मिनट्स हैं वो हम फुल स्पीड से बीट करेंगे। देखिए बीट हो चुकी है अच्छे से और थिक भी हो चुकी है, तो अब हम इसे रोक देंगे। अब ये तमाम व्हिपिंग क्रीम जो है हम रबड़ी में ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल स्लो स्पीड पे ना, स्लो मोशन पे जो है हम इसे सिलो पे, इसलिए ताकि जो हमने व्हिपिंग क्रीम बीट की है ना, तो उसका जो फ्लपी पन है ना वो जो है ढीला ना हो, ठीक है, इसलिए जो है इसको बिल्कुल सिलो सिलो करना है। चलिए जनाब ये हो चुका और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका, बिल्कुल लाइट लाइट सा। और एक मरतबा स्पेचुला की मदद से जो है इसे अच्छे से नीचे ऊपर से मिक्स कर लेंगे ताकि अगर कहीं रह गया हो तो वो मिक्स भी हो जाए अच्छे से। बस अब एक एयर टाइट बॉक्स ले लेंगे, इसी हिसाब से जितनी हमारी आइसक्रीम है, अगर बड़ा ना हो एयर टाइट बॉक्स तो छोटे दो ले लीजिए, उसमें दो जगहों पर आप फ्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताती चलो कि ये जो है मैं तकरीबन मगरिब के बाद ही बना रही हूँ, मैं रात हो चुकी है, ईशा होने वाली है, तो आप भी इसी टाइम बनाएं और ओवरनाइट के लिए ऐसे जो है ना रख दें, इससे क्या होगा कि आपकी जो आइसक्रीम है बहुत ही अच्छी जो है ना जम के सेट होकर तैयार होगी फ्रीजर में रखने से। तो आपने इसे और अदरवाइज जो है इसे तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए जो है ना आपने फ्रीजर में रखना है। यहाँ मैंने थोड़े से बादाम ले लिए, वो मैं नीचे जो है ना इस तरीके से सब फैला देती हूँ, ठीक है, और बहुत ही आराम से इसके अंदर अब हम अपनी आइसक्रीम ऐड करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी, और देखने से ज्यादा जब आप बनाएंगे ना इसे तो तब तो वाकई में आपने इस वाली रबड़ी आइसक्रीम का फैन हो जाना है, ये इतनी मजेदार बनती है। तो मैं बनाती थी, सोचा मैंने आपके साथ ये शेयर करूँ रेसिपी, तो आप लोग जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा बनाने के बाद कि आपकी रबड़ी आइसक्रीम कैसी बनी। ये तकरीबन यहाँ पर मेरे पास 2 लीटर आइसक्रीम बनके तैयार हुई है, बाजार से बहुत ही बढ़िया बनती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आइसक्रीम होती है, डिजर्ट नहीं होता है। चलिए जनाब इसे हम फ्रीजर कर देते हैं और मिलते हैं सेट होने के बाद।